तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस एक और बार पाल वर्ल्ड। तुम्हें पता होगा पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ना तीन बहुत ही तगड़े वाले पोकेमोन हमारी गैंग में शामिल कर दिए हैं। एक का नाम है केटिवा, एक का नाम है लेम्बाल और एक का नाम है डिनोसम। और ये जो डिनोसम नाम का एक पोकेमोन था ना उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, बट हमने एक नहीं तीन तीन पकड़े और हमारी टुकड़ी में शामिल करे है। बट ये तीनों के तीनों पोकेमोन ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, मतलब वो ग्राउंड पे चल सकते हैं, हवा में नहीं उड़ सकते हैं। और मेरे को आज के एपिसोड में चाहिए एक हवा में उड़ने वाला पोकेमोन जो कि हमारी गैंग में शामिल हो, और उसमें एक नाम आता है नाइटविंग का। नाइटविंग एक ऐसा पोकेमोन है, कुछ काम इतना तो वो नहीं करता है, बट अगर हमने उसे पकड़ लिया उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अगर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उसके ऊपर बैठ के पूरा पोकेमोन का वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक्सप्लोर करते करते नाइटविंग के साथ हम लोग और भी बहुत ही तगड़े पोकेमोन पकड़ सकते हैं, बट नाइटविंग को पकड़ना बहुत मुश्किल है और उसके बाद हम बाकी पोकेमोन को पकड़ पाएंगे। तो क्या आज हम लोग नाइटविंग को पकड़ पाएंगे, ये है सवाल। बाकी जाता है गेम में और ट्राई करते हैं नाइटविंग को पकड़ने का। भाई इम्पॉसिबल है बट ट्राई करने में क्या जाता है, आ जाओ सीधा जाते हैं गेम में। सबसे पहले तो हम लोग अपना बेस बनाने वाले हैं, क्योंकि बेस हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर दूर से देखेंगे ना तो ये गंदा दिख रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा। बट हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ें डिनोसम ने कट किया है, पत्थर वगैरह और ये पेड़ के ये सब चीज़ें, ये सभी को भी उठाना पड़ेगा। ओ भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक चेस्ट बना लेते हैं, उसमें सब चीज़ें डाल देते हैं। ये रहा यहाँ पे वुडन चेस्ट। एक देखो मेरे को यहाँ पे बनानी तो नहीं है बट बनानी पड़ेगी, वरना ये सब चीज़ों को हम लोग रखेंगे कहाँ पे। और ये बहुत गलत लोकेशन पे मैं बना रहा हूँ, बट हाँ बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे लोकेशन। ये बना दी चेस्ट, इसमें डाल देते हैं वुड, प्लेटिनियम फ्रेगमेंट, आइस ऑर्गन, फिर और पत्थर, ये सब चीज़ें। अभी और भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है ना, सभी को हटा लेते हैं, इसको भी कर देते हैं। भाई पेन गुलेट देखो अपना क्या मस्त प्लेटिनियम फ्रेगमेंट बना रहा है। अरे यार ये वापस से वजन बढ़ गया, एक मीटर को थोड़ी बहुत चीज़ें ना ड्रॉप करते हैं। पत्थर सभी के सभी ड्रॉप नहीं करना है, थोड़े से ही करना है, तो 84 ड्रॉप कर देते हैं ताकि हम लोग भाग सके एंड उसके बाद चीज़ें देखी जाएगी। इसमें डाल देते हैं अभी वापस से और पत्थर, प्लेटिनियम फ्रेगमेंट। देखो अगर कहीं भी कोई भी चेस्ट के अंदर सामान रहेगा ना तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चेस्ट में सामान है तो कोई दूसरी जगह से हम लोग वो चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इन्वेंट्री में चीज़ें सभी होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपने पास होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो ये पत्थर का हमने पत्थर क्या वुड का फैक्ट्री लगाया है, वो वुड का फैक्ट्री में भी अपना डिनोसम एक काम कर रहा है। उसके अलावा जो एक पत्थर का हमने फैक्ट्री लगाया है वहाँ पे कोई भी माइनिंग करने के लिए अपने पास पोकेमोन नहीं है, तो अभी हमें एक ऐसा पोकेमोन भी चाहिए जो माइनिंग भी करे। ये पेड़ काटने वाला तो है ही है बट माइनिंग वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। प्लेटिनियम फ्रेगमेंट के लिए तो हमें चाहिए वाटर टाइप, वाटर टाइप हमारे पास आ चुका है, माइनिंग वाला हमारे पास होना चाहिए। एक मिनट मेरे को ना पाल बुक्स में चेक करने दो, अपना पाल बुक्स किधर है, यहाँ पे ना हाँ इसमें चेक करते हैं माइनिंग वाला है क्या कोई। नहीं अपने पास माइनिंग वाला एक भी नहीं है, वरना काम हो जाता। अभी हम लोग ना इसको ही डेकोरेट करते हैं सबसे पहले, तो रुको लाइटिंग वगैरह लगानी है क्या, माउंटेड टॉर्च लगा देते। ये टॉर्च क्या काम करती है पता है, मतलब रोशनी देती है और तो कुछ नहीं है इसका काम इतना खास। एक टॉर्च यहाँ पर लगा देते, देखो ऐसे ये हो गया अभी बन जाएगा। अरे और कोई हेल्प करने के लिए आए आए आए, मैं बोला कहाँ रह जाते अपने पोकेमोन, काम करने के लिए आते ही नहीं है। ये बन गया, अभी देखो इसको मैं इग्नाइट करूँगा ना तो ये जलने लगेगी और रोशनी देगी, बट अभी नहीं करने का, अभी दिन में। अरे यार मैं बंद नहीं कर सकता हूँ ना इसको, गलत कर दिया, बट अभी नहीं जलानी है। रात को ऑटोमेटिकली पोकेमोन जला देते हैं, मतलब हमारे जो पोकेमोन है वो इसको चालू कर देंगे। बट हाँ चालू करने वाला भी पोकेमोन चाहिए जिसको टॉर्च चालू करना आता हो, वरना कोई भी पोकेमोन टॉर्च को चालू कर सकता है ऐसा नहीं है, उसके लिए भी स्किल चाहिए पोकेमोन के पास। हम बिल्ड करते हैं फाउंडेशन कहाँ पे, बिल्ड में ना, हाँ ये वाला अभी रूफ बनाते हैं एंड उसके बाद बाकी सब चीज़ें करते हैं। ऐसे 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 ये लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे तो वाटर ही आ गया तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लगा देते हैं, एक यहाँ पे खिड़की वाला लगा देते हैं और एक खिड़की वाला यहाँ पे भी। तो ये काम हो चुका है हमारा, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो तो बन चुका है, देखो दूर से देखेगा ना मस्त दिखेगा। तो ग्राउंड फ्लोर तो दिखने में बहुत ही तगड़ा और बड़ा हमने बना दिया है, और जो हमने यहाँ पे टॉर्च लगाया ना वो चीज़ नोटिस करो कितनी रोशनी दे रही है, मतलब एक टॉर्च इतनी जगह पर रोशनी दे सकती है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी तीन टॉर्च में लगाऊंगा तो सब जगह पर लाइट आ जाएगी। और हाँ अभी हमें ना मतलब ग्राउंड फ्लोर तो बना दिया बट यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ें बनाएंगे, बिल्ड करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये मशीन रखा हुआ है, ऐसा ही एक वर्क बेंच हम लोग यहाँ पर बना देंगे, फिर ये वाला जो वर्क बेंच है इससे बड़ा वाला वर्क बेंच हम लोग जब इक्विप करेंगे, मतलब हमारे पास अनलॉक होगा तब उसे भी हम लोग अंदर बनाएंगे, तो हम लोग नीचे की साइड पे वो सभी चीजें करेंगे। और जो ये पाल बेड वगैरह है सोने के लिए, एक ही बेड मैंने नीचे रखा है जो कि अपना वाला है, जो पाल के सोने के लिए बेड है वो हम लोग ऊपर की साइड यहां पे रखेंगे। यहां लगा सकते हैं क्या, एक मिनट
अनसफिशियंट मटेरियल। हाँ अच्छा, ये देखो यहाँ एक लगा दिया, अभी अपने पाल आएंगे और वो बना देंगे, अपन को इतना टेंशन ले लेना है। अपने देखो अपनी ये वाली जगह पे ना कम से कम 20 पाल काम कर सकते हैं, 20 पाल आराम से, तो इस वजह से हमें 20 बेड चाहिए अभी। अरे यार मैं गिर गया, एक वॉल बनानी पड़ेगी, वहाँ पे भी दीवार बनानी पड़ेगी वरना ऐसे ही गिर जाएंगे हम लोग। एक यहाँ पे, फिर आई थिंक ऐसे ही करता हूँ, सभी यहाँ पे ही लगा देता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। एक यहाँ पे भाई, अभी हमारे पास ना वुड ख़त्म हो गया है, तो वुड का हमें कलेक्शन करना पड़ेगा, बाद में सब चीज़ें बनेगी। और दो ही पोकेमोन हमारी हेल्प कर रहे हैं, एक मिनट ना मेरे को ना एक बार जेब से एक पोकेमोन निकालने दो ताकि हमें आसान रहे। लेम्बाल काम करेगा अपना, लेम्बाल काम करता है ना? हाँ करता है। चलो तो लेम्बाल हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर पाल के सोने के लिए हम लोगों ने 6 बेड तो बना दिए हैं। अगर पाल सोएंगे नहीं ना तो उनका सेन करके पॉइंट आता है, वो कम हो जाएगा और वो लोग सही से काम नहीं करेंगे, मतलब बाकी का जो माइनिंग वगैरह का काम है वो लोग सही से नहीं करेंगे, तो उनके लिए सोने के लिए ये चीज़ बनाना जरूरी था। अब यहाँ पे जो हमने रस्ते पे सभी चीज़ें लगाई है ना, पाल बुक्स वगैरह, वो ढंग से हमने नहीं लगाई है, बट हम बाद में सही कर देंगे। अभी हम लोग ना एक फ्लोर और बना लेते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट कर देते हैं एंड उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। मे बी मेरे को लगता है ना कि हम लोगों को बेस को ग्राउंड फ्लोर बना के ही रखना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी अनलॉक होगा, मतलब हम लोग पत्थर का भी बना सकते हैं। तो अगर हमने सब चीज़ें वुड की बना ली ना तो वापस तोड़ना पड़ेगा और रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं 10-12 लेवल या 15 लेवल के बाद ना पत्थर का सब चीज़ें अनलॉक हो जाएगा, तो पत्थर का बनाएंगे। अभी हम लोग नॉर्मल रहने के लिए चीज़ें बना देते हैं। एक मिनट, ये सब चीज़ें तो हमने लगाई दी है। अब मेरे को ना पाल बॉक्स एक बार चेक करने दो कि अपने पास पोकेमोन कौन कौन से है जिसे लेके मैं नाइट विंग को पकड़ने के लिए जा सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा मैप अभी तक अनलॉक इतना ही हुआ है, तो इसको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कि नाइट विंग कहाँ पर है। तो वो चीज़ तो करेंगे ही करेंगे, बट अपने साथ जो चलने के लिए फोक्स हो गए, मतलब जो चले गए पोकेमोन, वो होगा फोक्स टाइप, मतलब ये फायर टाइप रहेगा एक, और एक केटीवा सही है। उसके अलावा एक पेन गुलेट भी ले लेते हैं, वाटर टाइप भी ले लेते हैं, फायर टाइप, वाटर टाइप, और ये कौन से टाइप का है, आई थिंक है ना, ये किसी काम का नहीं है, इसको लेके कोई अटैक वगैरह हम लोग इतना कर नहीं पाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। एक डिनोसम ले लेते हैं, डिनोसम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट ठीक है हम लोग अपने साथ ले लेते हैं। तो ये कहा गया डिनोसम, बाकी सब चीज़ें तैयार है और अभी हम लोग जाने वाले हैं नाइट विंग को पकड़ने के लिए। एक मिनट, हम लोग ना एक बार टेक्नोलॉजी पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। इनहेंस स्टेट, ओके, हम लोग ना वापस से हेल्थ बढ़ाते हैं, हेल्थ बढ़ाना सही रहेगा अभी के लिए। टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें नई अनलॉक हुई है, फायर बो भाई मेरे को लगता नहीं है अभी हमारे लिए किसी काम का है। साइन हम लोग ले सकते हैं, साइन का काम लगेगा, बेट में भी जरूरत नहीं है हमें बेट की, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बो है तो बो से काम हो जाएगा। पॉइजन बो की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास नॉर्मल है। देखो पॉइजन बो काम लगता होगा बट अभी के लिए हमारे लिए नहीं है क्योंकि अपने पास 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट है, तो सही यूज करेंगे। आई थिंक ये हम बना लेते हैं कोल्ड रेजिस्टेंस आर्मर, ये सही रहेगा, रेजिस्टेंट आर्मर ये ना, कोल्ड वाला ले लेते हैं। आई थिंक हम लोग ये वाला भी ले सकते थे कि ये आता है कौन सा पता है, वोट, मतलब अगर गर्मी है ना तो उस टाइम पे ये वाला अगर हम पहन के जाएंगे ना तो फायदा मिलता है, तो इसके लिए है वोट स्प्रिंग एक खरीद लेते हैं। और सैंड बैग वगैरह, सैंड बैग इसलिए यूज़ होता है जब हमारे बेस पे कोई एनिमी हमला करते हैं, मतलब दूसरे पाल आके पोकेमोन हमला करते हैं तो यहाँ पे बैठ के डिफेंस कर सकते हैं हमारे पोकेमोन, तो इसके लिए सब चीज़ें। बाकी तो चीज़ें अभी तक अनलॉक नहीं हुई है। हाँ एक चीज़ है एंचाइन टेक्नोलॉजी पॉइंट, जिससे हम लोग एग इंक्यूबेटर अनलॉक कर सकते हैं, ये वाला, बट अभी तक मेरे को वो एंचाइन टेक्नोलॉजी पॉइंट नहीं मिला है। मेरे को कोई ना कोई एक बॉस को मारना पड़ेगा, बाद में जाके हमें पॉइंट मिलेगा और उससे हम लोग ये चीज़ खरीद सकते हैं। ये चीज़ से होता यह है कि हम लोग जब भी कोई ब्रीडिंग करवाएगी किसी भी पोकेमोन की, तो हम लोग उससे एक नया पोकेमोन जो निकलेगा अंडे से, वो अंडा इसमें रख सकते हैं और उसके बाद पोकेमोन जन्म लेता है, तो इस टाइप का सिस्टम है। बाकी ये और पत्थर है, इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये ना रास्ते पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको हम लोग काट ही देते हैं आज और कलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक ना मेरे को थोड़े बहुत चेस्ट वगैरह बना लेने चाहिए, बट हाँ अभी के लिए अपना एक चेस्ट काफी है। भाई हमारे पास कोई भी एक ऐसा पोकेमोन नहीं है जो कि सभी आइटम जो रास्ते पे पड़ी हुई है ना उसको उठा के चेस्ट में डाले, तो हमें एक ऐसा पोकेमोन भी चाहिए। भाई यार ये तो थक भी गया अपना कैरेक्टर, चल भाई काम पे लग जा यार। ये देखो फूल हो गया, एक मिनट अब चलने में तकलीफ होगी। यहाँ पे ये चेस्ट कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, पहुँच गए, बस पहुँच गए, हो गया हो गया हो गया हो गया। इसमें रख देते हैं और प्लेटिनियम फ्रेगमेंट और फालतू की चीज़ें, विट शीट भी नहीं चाहिए है। अभी वापस इसको तोड़ने लगते हैं। भाई ये डिनोसम और के पत्थर नहीं तोड़ते हैं क्या? अगर ये लोग ये भी काम करके देते तो बढ़िया रहता, बट उनके पास वो वाला टेक्नोलॉजी होगा ही नहीं। तो बस ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है, टूट गया है ओर का पत्थर। अभी जितना ओर मिला वो सभी यहाँ पे रख देते हैं। देखो ये ओर का काम क्या लगता है पता है, जब हम लोग प्लेटिनियम फ्रेगमेंट और ये सब चीज़ें मिला के एक स्पीयर बनाना चाहते हैं ना, तब स्पीयर बनाने में हेल्प लगता है, तो इसलिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, वरना मेरे को भी इतना कोई इच्छा नहीं है सब चीज़ें कलेक्ट करने का।
बट उसी से हमारा स्पीयर बनेगा जिससे हम लोग पकड़ सकते हैं। एक मिनट यार, चीज़ें ज़्यादा हो गई, फाइबर हटा देते हैं और अभी जाते हैं। अरे यार ये किसे हो गया, फ्लेम ऑर्गन कर देते हैं कम। हाँ अब सही है, अभी पहुँच जाएंगे। अरे एक और पत्थर आ गया यहाँ पे, चलो कोई ना, अभी इसको रख देते वुड को अंदर। अभी बाकी जो चीज़ें हमने छोड़ी है उसको भी उठा लेते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे। भाई खाना थोड़ा उठा लेते हैं क्योंकि हम लोग जब एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे ना नाइट विंग को पकड़ने के लिए, तब चाहिए रहेगा, तो अपने पास खाना तो चाहिए। खाना कितना है अपने पास, बेरी सीड हमें नहीं चाहिए है, खाना ही चाहिए, चलो कोई ना। और बाकी खाना कहाँ पे, अपने खाने का बक्सा कहाँ पे रखा था, यहाँ पे ही है ना, हाँ ये रहा। तो इधर से खाना उठा लेते हैं, हाफ बेरी हम लोग ले लेते हैं, बाकी की बेरी छोड़ देते हैं। आ जाओ अभी निकलते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। बिल्ड में कोई नई चीज़ है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो नया है, वोट स्प्रिंग एक बना सकते हैं, बट उसके लिए चाहिए पाल फ्लूइड जो कि मेरे पास नहीं है, तो वो बाद में करेंगे जब आएगी। अलार्म बेल लगा देते हैं। अलार्म बेल का काम ये होता है कि जब हमारे एरिया में कोई चीज़ का हमला होता है, मतलब दूसरे पोकेमोन का हमला होता है, तो एक पोकेमोन आता है वो अलार्म बेल बजा देता है, जिससे बाकी सब पोकेमोन अलर्ट हो जाते हैं कि भाई थोड़ा संभल के रहना क्योंकि हमला हो चुका है हमारे एरिया पे। सर ये हैंगिंग ट्रैप मैंने अब तक यूज़ नहीं किया ना, आ जाओ हैंगिंग ट्रैप कहीं पर यूज़ करते हैं। भाई कोई दुश्मन पोकेमोन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वरना मैं हैंगिंग ट्रैप जरूर यूज़ करता। चलो चलो सामने की साइड पे है ना, वो केटीवा जो है ना उनको पकड़ते हैं। ये बस ऐसे ही मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, बट हैंगिंग ट्रैप काम की चीज़ है, फन चीज़ है, इतनी कोई खास भी नहीं है, बट हाँ मज़ा ज़रूर आता है इसको यूज़ करने में। तो ये ले लेते हैं अपना हैंगिंग ट्रैप। अरे यार इनसफिशियंट मटेरियल, अपने पास वुड और स्टोन नहीं है, थोड़ा अपने पास होता तब जाके बातचीत बनती, तो चलो छोड़ो जान तो नहीं करते हैं, फिर बाद में पकड़ेंगे। अभी हम लोग निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड को, और देखते हैं भाई कौन कौन से पोकेमोन है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ आने वाली वीडियो में हम लोग मेमोरेस्ट को पकड़ेंगे, अभी तो मेमोरेस्ट को पकड़ना मुश्किल है, देखो यहाँ पे तीन मेमोरेस्ट घूम रहे हैं, बट मैं इनको पकड़ने के लिए जाऊँगा ना तो हमला मेरे ऊपर ऐसा होगा जिससे मैं ख़त्म ही हो जाऊँगा। बाकी ये फायर पोकेमोन वगैरह तो है, बट मेरे को चाहिए नए। पेनगुलेट तो अपने पास पहले से है, फायर वाले भी है, तो इनका कोई काम है नहीं। यहाँ पे एक भाई बैठा हुआ है, इससे बातचीत करके कोई वैसे फ़ायदा नहीं है सच बताऊँ तो। इसे ले लेते हैं भाई, ये देखो ये काम की चीज़ है, इससे हम लोग जो कैप्चर पॉइंट है ना वो बढ़ा सकते हैं, मतलब जो कैप्चर रेट आता है उसे बढ़ा सकते हैं। ये भी उठा लेते हैं। भाई लगभग मैं 10 मिनट से वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इतना मैंने वर्ल्ड एक्सप्लोर किया ये वाली जगह को, और अभी तक मेरे को बस ये वाले नए पोकेमोन दिखे क्रिमिस, तो इनको पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ तो पकड़े कुछ नहीं से, अरे ये क्या बात है भाई, ये तो अरे कहाँ गया मेरा पोकेमोन। अच्छा है ना अपने पास केटीवा, अरे मार उसको, ये कुछ ज़्यादा ही तगड़े मेरे स्पीयर। ओ क्या था ये, एक क्रिमिस मेरे को लगे थे गधे जैसे पोकेमोन, बट इसमें बात तो है कुछ। ये एक तो आ जा भाई, मर नहीं गया ना, नहीं 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 मरा नहीं। अरे मत मार भाई, ये अपना पोकेमोन देखो लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है भाई। हो गया कैप्चर रेट 91 और हो चुका है भाई, हमने एक क्रिमिस को मार दिया बिना मतलब का, जो कि नहीं मारना चाहिए था। ठीक है अब क्या कर सकते हैं। हाँ हम लोगों को एक और पॉइंट मिल चुका है अनलॉक, यहाँ पे हो जाएगा अपना ये वाला एरिया भी, जिससे हम लोग फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे बाद में। बट ये वाला एरिया हम लोग ना याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्रिमिस मिला है। भाई ये क्या है, ओ चिलेट का बोस यहाँ पे है, चिलेट को भी पकड़ने के लिए हम लोग जा सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग जाएंगे सोने के लिए क्योंकि रात हो चुकी है और रात में एक्सप्लोर करना कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रात में बिना मतलब के ऐसे ऐसे पोकेमोन दिखते हैं ना वो हम लोग अभी नहीं मार पाएंगे, वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल के होते हैं, उनको मारना मुश्किल है। रुको मेरे को टॉर्च जलाने दो यहाँ पे ताकि थोड़ी रोशनी हो, भाई अंधेरे में घूम रहे ऐसा लगता है फिर। हाँ हम लोगों को बाकी जगह पे भी टॉर्च लगानी है जो कि बाद में लगाएगी, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और हमने क्रिमिस को पकड़ा है, भाई मजाक हो रहा है क्या, क्रिमिस का एबिलिटी क्या है मेरे को एक बार चेक करने दो तो। पाल बुक्स किधर है अपना, क्रिमिस का एबिलिटी कुछ इतना काम का नहीं है क्योंकि ये गैदरिंग कर सकता है, वो भी लेवल 1 का गैदरिंग का एबिलिटी है, मतलब चीज़ों को कलेक्ट कर सकता है, फार्मिंग कर सकता है, जो कि बाकी पोकेमोन भी तो कर रहे हैं, तो मे बी ये पोकेमोन किसी काम का नहीं है, इसको गोली मारो, इसको हम लोग काम पे रख के अपना टाइम बिगाड़ेंगे ऐसा होगा। हाँ एक फाइट टाइप पोकेमोन छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा काम हो, पेन गुलेट दो रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो फाइट टाइप यहाँ पे छोड़ देते हैं और वापस हम लोग ने जहाँ पे हमने छोड़ा था ना एक्सप्लोर करना वहाँ पे ही जाते हैं यहाँ पे। चलो फिर हम लोग पहुँच गए हैं वो वाली जगह पे जहाँ पर हमने एक्सप्लोर बंद किया था। अरे केटीवा यहाँ, अरे यार वो तो अपने पास ऑलरेडी केटीवा है और ये ग्राउंड टाइप भी ऑलरेडी है भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा ये लोग यहाँ पे सिंडिकेट थक क्या कर रहे हैं, ये लोग लड़ाई झगड़ा, देखो इनसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, बट रुको मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको मारो ऐसे, ये देखो मेरे को मारेगा बट इसको, अरे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसको, इसके लिए कोई तगड़ा, ओई मर गया अब पकड़ सकता हूँ क्या मैं इस आदमी को, पकड़ पाऊँगा, ओ नो 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 नो, हो जाना चाहिए भाई,
अगर मैंने इसको पकड़ लिया ना तो बहुत क्रेजी हो गया हो गया हो गया हो गया, एक नंबर, लेट्स गो भाई। आदमी को ही हम लोगों ने पोकेमोन की तरह पकड़ के रख दिया है भाई। ये कौन से है? एक मिनट, ये लोग तो क्रिमिस को मार रहे। नहीं, क्रिमिस इतना काम का नहीं है, हम लोग इसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरी जगह पे जाते हैं भाई। ये एरिया से तो जितना जल्दी निकल जाए ना उतना ही अच्छा है भाई। एक मिनट, ये क्या है? ये पाल को इन लोगों ने पकड़ के रखा है क्या? ये कौन सा पाल है जो इनने पकड़ा है भाई? एक मिनट भाई, अब तो लड़ाई झगड़ा होगा, अब तो तुम गए। मेरा पोकेमोन आजा भाई, फायर टाइप किधर है? अरे डिनो भाई आजा, डिनो भाई तुम्हारा जरूरत है, डिनो सम, लेट्स गो डिनो सम, मरना नहीं है। अरे जोड़, एकदम एक नंबर, मार उसको, मार मार इसको, मार अंदर वाले को। अरे अच्छा, ये अंदर घुसा हुआ, इसको नहीं मार सकते क्या? अरे आना, तेरे में दम है तो आना इधर भाई। मेरे को ना पॉइजन एरो बना लेना चाहिए था तो बेटर रहता, बट ठीक है। ये लो, गया एक और भाई। अभी रुको, अभी कोई है तो नहीं ना? नहीं, अभी कोई नहीं, अपने तीर बर्बाद हो गए। इसको ओपन करते हैं भाई। ये कहाँ से ओपन होगा? यहाँ पे ना। अरे भाई साहब, अरे कौन मार रहा है ये भाई? थोड़ा संभाल यार, यहाँ पे काम चालू ही अपना। अरे मजे लिए जा रहा है। हो गया हो गया हो गया। अरे गया, एक नंबर मार दिया। मिल गया क्या? इफ़ यू फाइंड नोक्स हेयर भाई, नोक्स हेयर इन योर ब्रीडिंग यू शैल लीव इट वेयर। भाई ये नोक्स हमको कैसे मिलेगा, मतलब कहाँ पे मिलेगा नोक्स? अभी अंदर में नहीं जा सकता हूँ क्या? हाँ मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें अगर ये स्पीयर उठाना, अरे उठा लिया, चलो भाई। ये जो नोक्स करके हमको पोकेमोन मिला, वो कहाँ से हमें मिलेगा? मतलब हमारे पास जहाँ हम जाएंगे घर पे, तब वापस पाल बॉक्स में मिलेगा या कहाँ पे मिलेगा? ए चिकीपी को पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, लेवल 5 के हैं, बट अपने पास ऑलरेडी उतने चिकीपी है जिससे हम लोग काम चला सकते हैं, तो इतना वो नहीं करेगी। क्रिमिस पकड़ते हैं भाई। आजा डिनोसम, एक नंबर आजा भाई, तेरी ज़रूरत है। ये क्या फेंका इसने? चलो अपना डिनोसम काम करेगा, अपन को चील करना है। वही मार मत दिया उसको, बिना मतलब का मार देता है भाई अपना। ये आ गया, चलो एक और पकड़ लिया, चलो बढ़िया है। इसको मैं पकड़ने का ट्राई करता हूँ। अरे मर गया वो भाई, इतना भी मत मार। ओ भाई ये डिनोसम का पावर। अरे नाइटविंग भाई, नाइटविंग आ चुके हैं, हम लोग नाइटविंग की जगह पे ही है भाई। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं। मैं तीर मारूं कि ना मारूं ये बताओ, क्योंकि हम लोग को पहले तो क्रिमिस से फाइट करना पड़ेगा, वरना ये लोग उल्टा हमला हमारे ऊपर करेंगे तो वाट लग जाएगी। और अपने पास पाल स्पीयर भी खत्म नहीं होने चाहिए। रुको, इसको पकड़ लेता हूँ, चाहिए रहेगा। डिनोसम का हेल्थ फूल है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मे भी पकड़ लेंगे, बट फटाफट करना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाइटविंग को पकड़ते हैं अभी। दो भाई, तीन नाइटविंग है एक साथ। चलो हो गई है लड़ाई चालू भाई। किधर है अपना डिनोसम, किधर है? मरना नहीं है डिनोसम भाई, मजाक नहीं हो रहा। अभी ये पेन गुलेट वगैरह भी है ना, रुको इनको भी पकड़ते हैं भाई। गया मैं, ये देखो ये देखो ये देखो, क्रिमिस भी मार रहा है, ये भी मार रहा है। ओए अरे अरे भाई भाई, 380 बचा है। गया मैं, 4-5 टाइप के पोकेमोन एक साथ मेरे को मार रहे। खाना खाने दो भाई, खाना खाने दो, ये मजाक नहीं हो रहा अब। ये ले डिनोसम, तू भी खाना खा फटाफट फटाफट, लड़ाई झगड़ा चालू रहना चाहिए। मेरा हेल्थ तो आ रहा है ना, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ओ क्रेजी भाई, ये नाइटविंग मेरे को मार रहे क्योंकि दूसरा पोकेमोन मार रहा है। ओ नहीं यार, मैं नाइटविंग को नहीं पकड़ पाऊंगा बहुत। ओ ओके ओके, ये कौन सा भाई क्या? अरे 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 अरे, गया अब तो मैं गया। अरे मामे चल रहे यार, मजाक हो रहा है क्या? डिनोसम हमारा गया, डिनोसम मरने वाला है ऐसा मेरे को लग रहा है। अरे एक तो ना थक भी बहुत जल्दी जाता अपना कैरेक्टर। अरे मत मार मामे, एक मिनट, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं भाई। नाइट, ओ यार पास से गुजर गया, अगर थोड़ा हल्का सा मेरे पास से गुजरता तो मैं गुजर जाता। इसको पकड़ते हैं, आ जा तू भी आ जा बेटे, तू भी आ जा, बहुत तुम लोगों ने मेरे मजे लिए हैं। आगे क्या 32, यार ये नहीं आएगा। क्रिमिस ये बहुत ज़्यादा होशियारी मार रहा है ना, इसको पकड़ते हैं भाई 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 भाई, भाई। नाइटविंग किधर है? वो नाइटविंग, वो क्रिमिस ने हमारा काम करा। क्रिमिस क्या, वो अपना डिनोसम काम कर रहा। ओ ब्रो नहीं, मेरे को लगा ये पकड़ लिया मैंने। एक मिनट हो गया, बस हो गया 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 भाई। एक को पकड़ना है, डिनोसम मार यार, लेट्स गो डिनोसम, लेट्स गो। हो जाएगा हो जाएगा, 33%, 33 हो गया हो गया हो गया, 64 कंप्लीट। नाइटविंग हमें मिल चुका है एक, अभी दूसरे नाइटविंग का ट्राई करते हैं। डिनोसम मार मत दे यार, मां कसम डिनोसम ने एक को टपका दिया, एक नाइटविंग को टपका दिया डिनोसम ने भाई। अपने पास जो डिनोसम पोकेमोन है ना, जो स्टार्टिंग में हमने पकड़ा है,
वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। और देखो वैसे सच बताओ ना तो ये तुमने पोकेमोन का वेब सीरीज देखा होगा, वेब सीरीज क्या वो कार्टून देखा होगा, एनएमए जो भी बोलते हो देखा होगा, तुम्हें पता होगा उसमें ना पियोजन करके एक हुआ करता था, तो उसी तरीके से नाइटविंग है, आई थिंक पियोजन या ऐसा ही कुछ नाम था, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए भाई, उसी की तरह है। आजा डिनोसम तेरी जरूरत है भाई। अभी ना मैं चलते फिरते पोकेमोन को चेंज नहीं करवा रहा हूँ, मतलब नाइटविंग को लेके मैं घूम सकता हूँ, नाइटविंग का एक सैडल बनाना पड़ेगा, बट नाइटविंग का सैडल कितने में लेवल पे अनलॉक होगा वो मेरे को नहीं पता है भाई। बट हमने नाइटविंग को लिटरली दो नाइटविंग पकड़े, दो, मजाक नहीं हो रहा, जो कि बहुत हार्ड है भाई, मार दिया आराम कोर के बच्चे ने भाई, क्या बोलूं मैं। चलो फिर करते हैं घर वापसी, फास्ट ट्रैवल, और ये रहा अपना बेस। देखो हम लोग ना तीन बेस बना सकते हैं, हमने अभी तक एक ही बेस बनाया है, अलग अलग लोकेशन पे तीन बेस बना सकते हैं, तो हम लोग बाकी के दो बाद में बनाएंगे, अभी के लिए तो ये सही है, बस मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ओके अभी मेरे को ना ये नाइटविंग का सैडल मिला कि नहीं मिला, फोक्स का तो मिला है बट भाई इतना काम का नहीं है ये भाई। मेरे को ना स्टेट पॉइंट भी मिला है क्योंकि हमारा लेवल हो चुका है अभी 11, हेल्थ बढ़ा लेते हैं भाई, या तो वेट कैरी करने की क्षमता भी हम बढ़ा सकते हैं, बट हेल्थ ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होगा नाइट विंग को जब हम लोग पकड़ने के लिए गए थे तब ऑलमोस्ट हम लोग 300 हेल्थ पे आ गए थे, मतलब बहुत गंदा उन लोगों ने हमें पीटा था, तो हेल्थ होना जरूरी है, बाकी तो देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें जो फायर एरो वगैरह है उसको मैं अनलॉक नहीं करूँगा, मेरे पास 14 टेक्नोलॉजी पॉइंट है, तो अभी हम लोग ये वाली जगह पे जाते हैं, ये है हीट रेजिस्टेंट आर्मर, तो हीट रेजिस्टेंट बना लेते हैं, और अपने पास कोल्ड वाला तो ही है, और प्रिमिटिव फर्निच एक बनाना चाहिए, ये काम का है। इसमें जो आता है ना हम और जो हम कलेक्ट करेंगे, मतलब जो और का पत्थर हमने तोड़ा है ना उससे हम लोग स्लाइड बना सकते हैं, मतलब डब्बे जो सोनेरे डब्बे आते हैं ना उस टाइप का, एक मिनट मेरे को समझाने दो इससे क्या बनता है। इंगोट्स जो हम लोग माइनक्राफ्ट में बनाते हैं ना इंगोट्स बनाते थे वो इसमें बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ है, ये थ्री शॉट वो मतलब एक ही साथ तीन एरो निकलेगा, तो ये भी काम का है, तो इसको भी अनलॉक कर लेते हैं। नेल अभी इतना काम का नहीं है तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट का। ये फेदरेड हेयर बैंड आई थिंक काम का है, ये सर पे लगाएगा ना तो थोड़ा हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। बीए ट्रैप काम का है, बीए ट्रैप स्मॉल, मतलब इसमें हम लोग पोकेमोन को ना ट्रैप करके पकड़ सकते हैं, तो ये इसलिए काम का है। और हाई क्वालिटी वर्क बेंच ये तो काम की है बहुत ज़्यादा, तो इसको तो हम लोग अनलॉक करने ही वाले हैं। वुडन गेट हम लोग अनलॉक कर नहीं सकते क्योंकि हमारे सभी पॉइंट टेक्नोलॉजी वाले ख़त्म हो चुके हैं। इंचाइंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिले तो हम लोग एक स्मॉल फीडबैक भी अनलॉक करवा सकते हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, बट वो कब तक मिलेगा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें बोस मारने जाना होगा, और बोस मारने के लिए जो हमें पोकेमोन चाहिए उसमें एक तो है डिनोसम। देखो बोस मारने में काम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं लगेगा, बट बाकी जो हमें पोकेमोन चाहिए ना बोस को मारने के लिए वैसे नहीं है। नाइट विंग अभी मेरे को चाहिए, नाइट विंग का सेडल कब हमें मिलेगा वो देखना पड़ेगा। नाइट विंग हमारे पास ना दो है ना, नाइट विंग वैसे ना काम का नहीं है, नाइट विंग सच बताओ ना तो काम, मतलब यहाँ पे जो काम होता है ना, देखो ये गैदरिंग करेगा लेवल टू का, मतलब सामान को कलेक्ट करके चेस्ट में भी डाल देगा, बट उसके अलावा ये इसके ऊपर आप बैठो और घूमो बस, इतने ही काम का है, इससे ज़्यादा ये नाइट विंग किसी काम का नहीं है भाई। बट मेन तो हमें उसी के लिए चाहिए ना, हम लोगों को पोकेमोन की दुनिया घूमनी है तो इसलिए ये काम का है। ये तो वही, ये जो सिंडिकेट थग हमने पकड़ा था ये हमने पकड़ के रखा है, इसका किसी काम का, मतलब ये भी इतना कुछ काम का नहीं है। बेस अपग्रेड करना हो मेरे को तो कौन सी चीज़ करनी पड़ेगी, बेरी प्लांटेशन एक और बनाना पड़ेगा, प्रिमिटिव फर्निस बनाना पड़ेगा, हॉट स्प्रिंग बनाना पड़ेगा, और उनके लिए चाहिए रहेगा सामान, आई थिंक अदर में क्या है, साइन, साइन हम लोग लगाते हैं, रुको यहाँ पे लगाते हैं, ये वाली जगह पे बिल्ड करते हैं, और ये देखो भाई आ जाओ रे काम करने के, लाओ काम छोड़ो, देखा हमारे पोकेमोन है तो तगड़े। ये बन गया यहाँ पे साइन, अब ना मैं साइन बोर्ड उल्टा मैंने लगा दिया क्या, हाँ इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ये भी लिख सकता हूँ टोटल गेमिंग, ऐसे लिख देते हैं टोटल गेमिंग, देखो ये आजू भाई भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो आ गया, ये आ गया यहाँ पे, लिटरली हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सब्सक्राइब, अगर आप लोग नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब दोस्तों, और नए हो तो लाइक भी कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर मैं इस गेम में कहीं पे भी मरूंगा तो तुम्हें मिलेगा गूगल प्ले का रिडीम कोड, जो कि जो सबसे पहले रिडीम करेगा उसे मिल जाएगा, क्योंकि मैं गूगल प्ले का पार्टनर हूँ, तो हाँ जो सबसे पहले रिडीम करेगा उसी को ही मिलेगा। ये मैं बना लेता हूँ क्लोथ आउटफिट, ये वाला कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, बना लिया हमने क्लोथ, इसे पहन लेते हैं बॉडी पे, और उसके अलावा हाँ फेदर हेड भी बना लेते हैं ना, ये फेदर मतलब जो सर पे पहनने वाला है उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बन चुका है हमारा हेयर बैंड भी, इसे भी पहन लेते हैं हम लोग सर के ऊपर, आ गया क्या ऑलरेडी, अरे एक नंबर। चलो भाई एक मिनट, एक चीज हमारा स्टोन, अरे इसको जाने दो, स्टोन पिकिक्स टूट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी काम करने के लिए लोग है भाई। ये चेस्ट में सामान रख देते हैं फटाफट से जो भी हम लाए हैं। मेगा स्पीयर, देखो ये मेगा स्पीयर बनाने के लिए भी चीज़ें लगती हैं, तो उसके लिए प्लेटिनियम फ्रेगमेंट और ये सब चीज़ें चाहिए, जो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि इसी के लिए चाहिए, और कोई रीज़न नहीं है। अभी वापस से ना हमें एक और चेस्ट बनाना पड़ेगा,
और इसके पास ही बना देते हैं। भाई लोकेशन हम लोग ना चेस्ट बनाने की बहुत ज़्यादा गलत चूज कर रहे हैं, बट हाँ यही लोकेशन बेस्ट है क्योंकि आसपास में ही हमने सब चीज़ें बिल्ड करके रखी है। हाँ थोड़ा सा जगह हम लोग बाद में चेंज करेंगे नो डाउट, बट अभी के लिए तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे सब गन एमो वगैरह डाल देते हैं और थोड़े बहुत तीर वगैरह भी बना लेते हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हुई है वो भी चेक करते हैं। ये एक मिनट, यहाँ पे कौन सी प्रोडक्शन में क्रशर, तो हमारे पास प्रिमेटिव फर्निच ये बना लेते हैं यहाँ पे। नहीं इसको ना बाहरी नहीं यहाँ पे बनाते हैं एकदम, नहीं यहाँ पे बनाते हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रहा हूँ। ये वाली जगह बेस्ट इसके लिए, तो यहाँ पे चलो वो बना के दे देंगे हमको हमारे पोकेमोन, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आ चुका है केटीवा बनाने के लिए, अपने पास पोकेमोन है तो उनसे मिल मतलब वो मेहनत करवाएंगे ना। हाई क्वालिटी वर्क बेंच बनाने के लिए मेरे को चाहिए इनगेट जो कि मेरे पास नहीं है, और चाहिए नेल। आई थिंक मेरे को नेल अनलॉक कर लेने चाहिए थे, अब वो नेल अनलॉक है नहीं टेक्नोलॉजी पॉइंट में, और इस वजह से मैं हाई क्वालिटी का वर्क बेंच बना नहीं पाऊंगा। अब नेल ही नहीं बना पाऊंगा ना क्योंकि अब वही है, इनगेट भी बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इनगेट तो चलो मैं यहाँ पे बना दूंगा, अपने पास और तो है भाई। हम लोगों को ना माइनिंग करने के लिए कोई ना कोई पोकेमोन पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अपने पास माइनिंग वाला एक भी पोकेमोन नहीं है। ये तो गलत है भाई, थोड़ा हम लोगों को एक्सप्लोर करने पड़ेगी जगह, क्योंकि अब ये तो फंस गया हूँ मैं गंदा वाला। डिफेंस स्टोरेज ये सब, अरे रुको बेरी प्लांटेशन एक बना देते ताकि हमारा जो पाल बॉक्स है वो तो कम से कम अनलॉक हो, मतलब अपग्रेड हो। तो इसको मैं रख देता हूँ पास में यहाँ पे, देखो सेम इसी वाली जगह पे ऐसे बना देता हूँ पास में ही। ये बन जाएगा अभी, ये पोकेमोन अपने बना देंगे। और उसके अलावा इसको अपग्रेड करने के लिए ना एक और चीज़ चाहिए थी, और वो था हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है भाई? हॉट स्प्रिंग में भी ना इसमें ही बिल्ड में कहीं पे तो था, ये रहा हॉट स्प्रिंग। और इसके लिए चाहिए पाल फ्लूट्स जो कि मेरे पास नहीं है, चलो बाद में बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आ जाएगा तब चेक करते हैं। नाइट विंग का सेडल कब अनलॉक होता है टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो 12वीं लेवल पे तो ये सब चीज़ें ही है, मेडिएबल मेडिशियन वर्क बेंच, ट्रेनिंग डमी है, मेटल स्पीयर है 13वें लेवल पे, 14वें में मेगा स्पीयर है, मेगा स्पीयर वर्क बेंच है, वोल्ट टॉर्च है, और बाकी 15वें लेवल पे नाइट विंग सेडल। ब्रो हम लोगों ने अभी कितने में लेवल पे मैं हूँ, मैं 11वें लेवल पे हूँ, मैंने अभी नाइट विंग तो पकड़ लिया, अब मेरे को उसके ऊपर बैठना है तो 15वें लेवल तक जाना होगा। ये भाई ये क्या है, ये नाइट विंग का सेडल, ये तो अजीब है भाई, ये तो 15वें लेवल तक मैं अभी मैं क्या करूँ क्या, मतलब फिर मैं पोकेमोन तगड़े वाले पकड़ू क्या, क्योंकि लेवल अपग्रेड करने के लिए और भी तगड़े वाले पोकेमोन पकड़ने पड़ेंगे, नाइट विंग से भी तगड़े वाले। भाई नाइट विंग को पकड़ने में पानी आ गया था और इससे तो मैं बहुत ज़्यादा मरूंगा फिर, बट चलो आज हम मेमोरेस्ट को मारते हैं। रुको मेमोरेस्ट एक मिनट, मेरे को ना पाल सिलेक्शन करने दो, बहुत तगड़े पाल लेके जाके मेमोरेस्ट को ठोक के आते ताकि हमारा 15 लेवल हो जाए। हम ना ये थग लेके जाएंगे जो कि हमारी साइड से लड़ेगा, ये पुलिस वाला हम अपने साथ लेके जाएंगे। केटीवा नहीं चाहिए भाई, केटीवा किसी काम का नहीं है। फायर पोकेमोन लेके जाएंगे, चीपी की भी नहीं चाहिए भाई हमको, हमको चाहिए दूसरा नाइट विंग, दो दो नाइट विंग लेके चाहिए, मतलब जाएंगे हवा से हमला करवाएंगे भाई, हवा में से। अब गया, अब ना ये मेमरोस्ट का बहुत नाटक हो गया, अब तो मेमरोस्ट का काम खत्म है भाई। आ जाओ किधर है भाई मेमरोस्ट, किधर, इधर ही रहता है ना। एक मिनट भाई, ये पोकेमोन देख रहे हो, ये पोकेमोन का नाम है एक थियर डीर भाई, इसके ऊपर हम लोग बैठ के घूम सकते हैं, एक थियर डीर के ऊपर भी, और मालपा भी है यहाँ पे। रुको, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए डिनोसम, लेट्स गो, मैं तुम्हें चुनता हूँ डिनोसम, मारो इन लोगों को, उक्का दिखा दो, चलो डिनोसम भाई एक नंबर। ओए क्या मारा, अरे नहीं 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 नहीं, गया गया मेरा डिनोसम, लेट्स गो डिनोसम भाई। अरे 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 लड़ाई झगड़ा बंद करो, ये सब नहीं करना, अरे नाटकी मत मार रहे ये, अरे मेरा पूरा कवच तोड़ दिया भाई, निकल ले अज्जू भाई गया काम से, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, मैं से कैसे होगा। मालपा को भी छेड़ते हैं भाई, हमारा डिनोसम मरना नहीं चाहिए भाई। अरे नहीं नहीं मारा डिनोसम ने किसी को तो मारा, अरे नहीं नहीं भाई इसे कैसे मारेगा तू, हम बहुत पहुंची हुई माया है भाई, पहुंची हुई। अरे मेमरेस्ट को छेड़े क्या, मेमरेस्ट को नहीं छेड़ते हैं, पकड़ते हैं कोई अगर हम पकड़ पाए तो किसी एक हाथ को भाई। अरे नहीं मत मार मामे, मत मार, ये तो गलत बात है भाई। अरे नहीं रे भाई, ये तो स्पीयर, ओ ये तो स्पीयर तो कबूल ही नहीं कर रहे, आने ही नहीं दे रहे अपने पास, बोल रहे कि हम इसको एक्सेप्ट। अरे यार ये तो, अरे मत भाई यार, चल क्या रहा है यहाँ पे, वही एक मर गया, माँ कसम उसको किसने मारा भाई, कोई एक आध, हमारा डिनोसम अकेला सबको मार दे रहा, ये इसको पकड़ दे। अरे 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 कैसा ये आ गया, 23%, 23%, 23%, लेट्स गो, आ जा भाई अपने ग्रुप में चाहिए, एक तो चाहिए भाई, ये इसके ऊपर बैठ के हम लोग घूमेंगे। वही नहीं यार ये क्या था, मालपा पकड़, अरे मालपा को मार दिया, ये हो गया 52, लेट्स गो, हो गया 75 से मेल पा। अरे आजा भाई एक मिनट, वो क्या भाई मुंह पे आया, अरे 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 इसको पकड़ना है ना, हाँ ये लो
चलो 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 43 एक ले, एक ये वो मरने वाला है, वो मरने वाला है, एक तो डियर मरने वाला है, ये रहा मरने वाला है, ये मरने वाला। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया 50% 50% 50%। अरे मत मारो भाई थोड़ी देर को 75 माल पर। अरे आ जाओ भाई अब तो आ जाओ। अरे भाई स्पीयर खत्म होने वाला है अब तो। ये लो ये लो ये लो ये लो कोई तो एक। अरे भाई मत मार ले भाई मत मार मामे मत मार भाई स्पीयर एक्सेप्ट करो प्लीज। 79 59 42 हो गया एक आ गया मेलपा आजा भाई आजा तू भी आजा हमारी टुकड़ी ज्वाइन करो, हमारी गैंग बनो, हमारी टीम में आओ फिर आएगा मजा भाई। हमारा जो डिनोसम पोकेमोन है ना डिनोसम बाप सबका बाप, एक डीर जो कि ये एक ऐसा पोकेमोन है भाई तुम लोग को मजाक लगेगा बट एक ऐसा पोकेमोन है, इसको रुला के रखा डिनोसम ने। देखना अभी देखना ये देखो बस अपना डिनोसम देखो क्या बाप लेवल पोकेमोन है। इससे बेटर पोकेमोन हो ही नहीं सकता भाई। इस स्टार्टिंग में किलर भाई किलर नेक्स्ट लेवल पे भाई। इसके लिए डिनोसम के लिए एक लाइक बनता है और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन भी दबा देना। अगर इस वीडियो पे 1,00,000 कमेंट हो गए तो मैं फ्री फायर का वीडियो डालूंगा मतलब नेक्स्ट वाला क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है। और उसके अलावा अगर इस पे 1,50,000 लाइक हो गए, 1,50,000 लाइक की बात कर रहा हूँ कमेंट की ना, इस बार 1,50,000 लाइक हो गए तो मैं इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा भाई। क्या हो गया चल क्यों नहीं रहा, चल ले भाई फटाफट रात हो चुकी है। ये लेम्बल केटीवा पकड़ के कोई फायदा है नहीं वरना तो मैं पकड़ भी लूँ। माँ कसम इतने पोकेमोन पकड़े बट अभी भी हमारा लेवल अपग्रेड नहीं हुआ है, 12वां लेवल नहीं हुआ बताओ। मजाक चल रहा है सो लेते हैं उसके बाद सब चीज़ें देखेंगे कल मॉर्निंग में भाई। 15वें लेवल तक जाना पड़ेगा नाइट विंग के लिए मतलब नाइट विंग के ऊपर बैठने के लिए और अभी तक हम लोग 12वें लेवल पे है। चलो हम लोगों ने कम से कम एक चीज़ तो सही करी, जो हमने सोचा था कि नाइट विंग को पकड़ेंगे उसको तो पकड़ लिया, अभी तक हम लोग मरे नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने पास टीम भी परफेक्ट हो चुकी है, क्या पता मेमरोस्ट को हम लोग मार दें। मेमरोस्ट को मारने का ट्राई करना है क्या? देखो फिर कमेंट में ये नहीं आना चाहिए कि यार अज्जू भाई कुछ भी करते हो तुम, देखो समझ रहे हो बात को। नाइट विंग तो अपने पास है, नाइट विंग दो नहीं एक नाइट विंग एक चीयर डीर ये लेके जाते हैं, आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ, मालपा का लेके जाते हैं एक फुक्स बार की जगह पे, हाँ ये सही है। और उसके अलावा कोई भाई ये तो ठीक है, अभी मेरे को ना टेक्नोलॉजी पॉइंट में देखने दो किसी का सेडल है क्या। और ये देखो 12वें लेवल पे ही एक चीयर डीर का सेडल हमें मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है पता है क्यों, क्योंकि हम इसके ऊपर बैठ के भी ग्राउंड घूम सकते हैं मतलब इसके हवा में तो नहीं उड़ सकते हैं बट हाँ नीचे ग्राउंड पे ऐसे चल सकते हैं फास्ट, वो भी भाई कम से कम ये चीज़ तो अच्छी है। अभी एक मिनट, अभी मेरे को ना एक काम था और वो था अभी ओए मेमरोस्ट आया यहाँ पे आ गया, आ जाओ लड़ाई झगड़ा ले ही लेता है, देखा जाएगा पोकेमोन। तू मार डिनोसम तू मार ये कैसे इतना ओए नहीं रे भाई मत, तेरे ऊपर पूरा दाव लगाया मैं, तू हराम खोर भाई क्या तू मरवाएगा। मेमरोस्ट तो आना चाहिए एक भाई, गया मेरा डिनोसम गया डिनोसम इन डेंजर, आ जा भाई एक त्रिडी राजा। अरे भाई वही मेरा कवच ही तोड़ दिया इसने तो कवच ही तोड़ दिया भाई, मजाक नहीं हो रहा आप तो भाई 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 भाई। अरे अरे पानी किधर है अरे कूदना खिड़की से, नूबड़ा चढ़ने लगा। अरे हो गया भाई स्पीयर अभी हमारे पास एक ही बचा। अरे मेरा एक डीर को मार दिया इनने, थक आ जा वही ये वो इसने तोड़ दिया ब्रो, घर ही पूरा तोड़ दिया ऊपर का सब, अब मैं क्या करूँगा। अरे आना तू आना, अपना पुलिस वाला अब लड़ेगा, पुलिस वाला देखते पुलिस उसका डेड बॉडी बना दिया है। मेमरोस्ट कुछ अलग ही लेवल का प्राणी है, अब देखो अब ना एक चीज क्लियर है, अब ना हम लोग अपनी औकात में रहेंगे, बहुत हो गया एक चीज क्लियर, हम लोगों को इनको छेड़ना ही नहीं है, मेमरोस्ट को इनको जो करना है करने दो, कोई लफड़ा चाहिए नहीं मेमरोस्ट को भाई, इनको छेड़ते हैं ना बिना मतलब का लफड़ा हो जाता है पूरा, देखो हालत कैसा कर दिया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नए से गेम खेलूंगा भाई, इतनी सारी चीज़ें बिल्ड करी थी इतनी सारी चीज़ें तोड़ दी, अपना वो वाला बंदा पुलिस वाला छोड़ा, पुलिस वाले को एक ही फटके में बोला निकल इधर से भाई, क्या मारा है पुलिस वाले को भाई क्या मारा है, मजा आ गया। सभी पोकेमोन मार दिए मेरे। तो अपनी टीम में अभी जो सबसे तगड़ा पोकेमोन मेरे को चाहिए वो है मेमरोस्ट, अगर मेमरोस्ट अपनी टीम में है तो हमारी जो गैंग है ना पोकेमोन की गैंग वो बहुत तगड़ी बन जाएगी, वो चाहिए भाई। मारा है भाई बहुत गंदा मारा है भाई, तू निकल भाई तू तो पुलिस वाला नाम का ही है भाई। ये देखो अपने पास एक थियर डीर है ना, एक ही चाहिए भाई। अभी देखो हमारा पाल जो बेस पे है वो सभी मर गया है,
अब इनको सबको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेम्बाल भाई आप थोड़ा काम करो, इसको 10 मिनट लगेंगे रिपेयर होने के लिए, मतलब वापस से रीजनरेट करने के लिए। ये हॉस्पिटल है, ये बॉक्स वन आप देख रहे हो, ये हॉस्पिटल है ये सबका। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, और उसके अलावा पेंगन, हाँ ये अपने पेन गुलेट भी है अपने पास, और कोई दिक्कत नहीं है वैसा। फॉक्स टाइप भी रख देते हैं, फायर टाइप भी। डिनोसम तो था, वो दोनों को ख़त्म कर दिया भाई। डिनोसम आ जा भाई, थोड़ा काम कर, अभी तेरे को साथ में लेके घूमता। बट तेरे ऊपर जो मैंने दाव लगाया था ना, जो मैंने सोचा था कि भाई डिनोसम तो ये करके देगा वो करके देगा, डिनोसम ने तो बर्बाद कर दिया भाई, मरवा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा भाई मेरे को। मेरी तो इज्जत लूटी है डिनोसम ने भाई, क्या बोलूँ भाई। अरे नोक्स, वो ब्रो ये तो नोक्स है ना, अरे 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 ये तो नोक्स है। नोक्स का काम क्या है जो कि हमने वहाँ पे पकड़ा था, एक मिनट, नोक्स नोक्स नोक्स, ये डार्क टाइप पोकेमोन है, ये गैदरिंग करेगा लेवल वन का। ये घटिया पोकेमोन है, घटिया है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अभी वापस से हम लोग ना रीबिल्ड कर लेते हैं अपना ये बेस को, क्योंकि ये बेस जो है ना वो हाथी ने ऐसा लात मार के तोड़ा है ना, पत्थर का बनाया गया बाद में, बट अभी के लिए इसको रिपेयर करते हैं। रूफ बना देते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, और ये आखिरी का, और हो गया देखो ये बन चुका है हमारा रूफ, अभी सही है भाई। हमारे जो पाल के रहने के लिए हमने बिस्तर बनाए थे वो भी 4 ही बचे हैं, बिस्तर भी तोड़ दिए भाई। चलो फिर वापस से बेड बना लेते हैं, गधा मजदूरी करते हैं। खेलने तो पाल वर्ल्ड आया था, अरे तो मजदूरी करवा रहे हैं भाई, क्या बोलूँ मैं। लग जा भाई, ये लग गया यहाँ पे, ये लग गया यहाँ पे, चलो ठीक है भाई। बनाओ तुम लोग यार, थोड़ा मेहनत करो भाई, जो भी हमने बनाया था वो सब। अरे भाई मेरा इधर पे बेड हुआ करता था, हाँ यार याद आया तुम लोगों को, यहाँ पे हमारा बेड था जहाँ पर हम सोते थे। अब वो बेड ही नहीं है भाई, छेड़ी बेड, ये वाला बेड यहाँ पे बना देते हैं भाई। भाई जो मारा है हम लोगों को मेमरोस ने, जो मारा है, अनबिलीवेबल पीटा। अरे अभी भी ये लोग यहाँ पे है भाई, ये एरिया मेरा है, ये एरिया में मत आओ। 35 लेवल का मेमरोस्ट और हम है 10 लेवल या 11 लेवल के बंदे। हमारा हम लोग देखो कुछ भी हो, हम लोगों ने कम से कम डेयरिंग तो किया कि मारते हैं, जो भी होगा दिखा वीसा तो किया। लोग डरते हैं सब चीज़ों से, समझ रहे हो बात को, हमने इतना तो किया। अभी ना बॉक्स को अपग्रेड करते हैं, हॉट स्प्रिंग बनाना है, हॉट स्प्रिंग भाई, ये हॉट स्प्रिंग का कुछ करना ही पड़ेगा रुको, ताकि हम लोग पाल बॉक्स को अनलॉक कर सके। नहीं नहीं बनेगा हॉट स्प्रिंग, तुम लोग मरो भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ से सभी पत्थर उठा के इसमें डाल देते हैं। अभी के लिए हम लोग थोड़े से ना पाल स्पीयर बना लेते हैं, ताकि हमारा लेवल अपग्रेड हो। और पाल स्पीयर हम लोग बनाने वाले हैं 61, लेट्स गो। प्लेटिनम फ्रेगमेंट जितने भी है सभी हमने लगा दिए हैं यहाँ पर पाल स्पीयर बनाने के लिए। तो चलो फिर जाते हैं, पाल स्पीयर हमारे पास आ चुके हैं 62, और अभी थोड़े पोकेमोन पकड़ते हैं तगड़े वाले। मैं सोच रहा हूँ डिनोसम अगर वापस से मिल जाए ना, तो डिनोसम को ही पकड़ते हैं, ताकि मजा बजा आए कुछ यार। रुको फास्ट ट्रैवल करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे जाते हैं सीधा जहाँ पर हम लोगों ने नाइट विंग को पकड़ा था, वो वाले एरिया में। और नाइट विंग को जहाँ से पकड़ा था ना, उसके आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या है। और अगर कुछ नए टाइप के फायर टाइप या वाटर टाइप या डार्क टाइप या कोई भी अलग टाइप के पोकेमोन मिलते हैं ना, तो उनको पकड़ते हैं। ये देखो मेरे को और 3 नाइट विंग देखने को मिले हैं भाई, इनसे लड़ाई करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए भाई। बाढ़ में गया, आ जाओ लड़ाई करो केटीवा भाई, आज आपके ऊपर मैं सभी चीजें छोड़ रहा हूँ, क्या मेरे को जिता दोगे। वो यार इसने तो पूरा तोड़ ही दिया, एक मिनट रुको, अपना मालपा नहीं भाई, नाइट विंग के सामने, नाइट विंग नहीं इसके सामने ना एक थिया डीर छोड़ते हैं। आई थिंक एक थिया डीर काम करके देगा हमको जो चाहिए। मारते नाइट विंग को, 3 नाइट विंग को पकड़ लिया ना, मजा आ जाएगा। अरे ब्रो एक थिया डीर भी क्या खतरनाक है, देखा क्या खतरनाक मारता है वो, बहुत बहुत सही है भाई एक थिया डीर भी, पर उसका हेल्थ जल्दी जा रहा है। डिनोसम की बात अलग थी यार, डिनोसम को चल। अरे 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 भाई, एक तो मेरा कह रहे, अरे मत मारो भाई, मत मारो भाई, आ जा नाइट विंग, आ जा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा तब भी मैं तीर भी मारूं, मेरे वो भी खत्म होने वाले हैं, 3 ही बचे इसके बाद भाई। हो गया नाइट विंग, ये वाला नाइट विंग मैं पकड़ सकता हूँ, मैं भी मारूं क्या, एक मिनट एक तीर मार देता हूँ बस, ये हो गया, अब आ जाएगा अभी ना, हाँ ये आ गया, 76 हो गया भाई। बाकी के 2 नाइट विंग किधर गए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, लेट्स गो, एक और नाइट विंग पकड़ लिया अभी, एक चटी राजा वापिस से भाई, जरूरत है इसको मार अभी। ओके ओके ओके, क्या था ये, ओ यार वेस्ट कर दिया, एक मिनट, अरे मत मार दियो भाई बिना मतलब का, एक तो ऑलमोस्ट मरने वाला है, ये तो जल गया है पूरा भाई 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 भाई, भाई हो गया हो गया हो गया हो गया भाई साहब, मिल गया एक और, ओ भाई 5 नाइट विंग हमने पकड़ लिया अब तक भाई 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 भाई, एक और नाइट विंग बचा हुआ है, वो किधर है भाई, एक और नाइट विंग बचा हुआ है, वो नाइट विंग है तो है किधर पे, यहाँ पे क्या चालू है। अरे तुम लोग तो आ जाओ भाई साथ में, क्या यार सबकी हेल्थ कम है, सभी के सभी को पकड़ लेते, देखो इनको, ओए
तो यहाँ पे आइस टाइप का नखरा चल रहा है क्या? देखो ये आ जाएगा, देखो ये जो पोकेमोन है ना हमने इतने पकड़ रखे है ना, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है। आ जा भाई पेन गुलेट भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, ये सब गलत बात है। तुम लोग तो यार बहुत ही खतरनाक लोग हो। देखो ये सभी लोग आ जाएंगे, अभी देखने का भी जरूरत नहीं, ये तो पकड़ ही लेंगे। ऐसा है, हो गया यहाँ पे चिकी पी भी। अभी हमारा लेवल हो चुका है 12, अभी 13 होने वाला है, 13 लेवल होने ही वाला है, बस हो ही गया ऐसा है। अरे यार दो पाल के वो डब्बे वेस्ट करवा दिए पेन गुलेट ने इसमें। अरे तीन, इसमें कितने पाल। अरे यार ये देखो केटीवा। अरे तू रुकना भाई, ये तो आ जाएगा। हो गया हो गया, 72 70, ये हो गया भाई। टाइम वेस्ट होता है ऐसे तो। ये रो भी खत्म हो गया, चलो छोड़ो आ जाओ भाई। हमारा लेवल 12 और अब होने वाला एक थेडी रहे देखो ऊपर की साइड पे, बट कोई फायदा नहीं है जाके, पता है। एक मिनट रुको ना, यहाँ पे ये सभी को पकड़ते हैं। मार इसको, मार इसको, मार फोक्स टाइप को। अरे मारना है फोक्स टाइप को, रुक आ जा। अरे ये से अभी, अरे 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 आ जा आ जा आ जा, वो मेरे को मार रहा है, मारना उसको भाई। क्या बेवड़े पोकेमोन, ये देखो ये देखो, ये खड़ा हुआ है उसको मार ही नहीं रहा, वो मेरे को मार रहा है जबकि नहीं मार रहा है। मारा मारा भाई, इतना शेलफिश पोकेमोन है, इसको जब मारा तब इसने मेरे को मारा। मेरे को क्या, इसको मारा सामने वाले को, तब तक तो इसने मारा भी नहीं था। ये क्या कर रहा है यहाँ पे गार्ड। चलो 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 निकल लेते हैं भाई, 13 लेवल हो चुका है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करेगी अभी। ये देखो केटी भाई, अरे यार इसको मारना थोड़ा सा। ये लो अब आ गया केटी वा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, 100% हो चुका है, लेट्स गो। केटी वा को पकड़ लिया भाई। ये लो अभी ये भी आ गया। अरे तो रिजेक्ट मत कर भाई, अपनी टीम ज्वाइन कर ले, अपनी टीम में तेरे जैसे पोकेमोन का बहुत ज़रूरत है। ये क्या कहा भाग गया। अरे यार आ जा यार, मजाक नहीं हो रहा अब, मेरे को लगा आ जाएगा। 55 50, ओके 79 99 100 हो चुका है। चलो भाई हमारा लेवल तो काफ़ी अपग्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अपग्रेड नहीं हो रहा है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी, जैसे एरो हो गया और भी चीज़ें हैं। एरो बना के आते, आ जाओ फटाफट जाते हैं वापस घर। एरो होते हैं ना तो थोड़ा आसान रहता है। ये रहा अपना बेस, और बेस पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं अपने पाल बुक्स में थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे हमने जो नए पोकेमोन पकड़े हैं नाइटविंग बहुत सारे, उसमें से कोई नाइटविंग काम पे रख सकता है क्या? भी नहीं रखना चाहिए भाई। ये सो क्यों गया है अभी, अभी क्यों सोया? नहीं ये तो गलत बात है भाई, सोने का नहीं रहता, ये तो बहुत अजीब ही चीज़ हो गई। अभी मेरे को एरो बनाने दो, ये बना लेते हैं। और हाँ मेरे को बो भी तो बनाना चाहिए ना, एक मिनट बो भी बनाएंगे, पहले एरो ही कर लेते हैं। वो तीन एरो वाला बो बनाएंगे, मतलब तीन एरो एक साथ मारता है ना, वो वाला बो बनाएंगे। मेरा आर्मर भी डैमेज है भाई, मैंने अभी नोटिस किया। रुको इसको रिपेयर करते हैं। ये लो क्लोथ चाहिए, क्लोथ एक मिनट, ये तो हो गया। इसके लिए क्लोथ में कहाँ से लाऊंगा भाई, इधर है ना, क्लोथ बनाना पड़ेगा। रुको थोड़े बो बन जाए उसके बाद क्लोथ बनाते हैं भाई। बो बनने में कितना टाइम लगेगा केटीवा बता, अभी तक ना ही नहीं बने हैं। चलो वो बन गया, अभी क्लोथ बना लेते हैं, ताकि हम लोग हमारा क्लोथ 11 ही बना लेते हैं। अपने पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो क्लोथ बना के ही रखते हैं, ताकि हमारा अभी के लिए जो वेस्ट आर्मर है ना वो सही हो जाए। आर्मर बहुत कीमती है, क्योंकि नाइटविंग का एक फटका लगता है जब लड़ाई करने के लिए जाते हैं और हमारा आर्मर टूट जाता है। मेमरोस तो बस, मेमरोस जो हाथी है ना वो तो ऐसे सुंड ऊपर करके ऐसे नीचे गिरा है, हमारा पूरा आर्मर टूट जाता है भाई। थोड़ी दुविधा वाली बात है, बट क्या कर सकते हैं, हमारे सभी पोकेमोन सो गए। देखो हराम खोर, किसी को काम ही नहीं करना है भाई। ये मेरे को बुरा लगता है, बता सभी के सभी पोकेमोन अपने काम चोर है। एक मिनट इसको भी अंदर रख देते हैं, ये सब चीज़ें मैं लेके घूम के क्या ही कर लूँगा। इनको रखते हैं यहाँ पे, और अभी मैं कर लेता हूँ इसको रिपेयर। ये हो चुका है हमारा वेस्ट भी, आर्मर भी रिपेयर, अभी सो जाते हैं। कल सुबह में जो भी होगा देखा जाएगा। देखो जो हमने पाल के लिए बेड बनाए थे ना, वो सभी बेड पे देखो पाल सो रहे होंगे, दो तो सो रहे हैं, बाकी सब नीचे की साइड सोए हुए हैं। देखो यहाँ पे बेड पे सोए हुए हैं, और भी बेड खाली है जहाँ पर वो लोग सो सकते हैं, बट कुछ पोकेमोन नहीं सोते हैं, जैसे नोक्स था, और नोक्स ऐसे ही काम करे जा रहा है, अभी भी रात को भी काम कर रहा था, तुमने देखा हो तो वो नहीं सोता है, उसका अलग सिस्टम है। देखो इसका ये जागता हुआ रहता है, डार्क टाइप, आई थिंक सभी डार्क टाइप पोकेमोन ना ऐसा ही काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। अभी मेरे को टेक्नोलॉजी पॉइंट में 12 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिले हैं, तो इसमें एक सेंड बॉक्स बना लेते हैं, ताकि जब हम लोग मेमरोस्ट को पकड़ेंगे ना तब काम लगेगा। नेल बना लेते हैं ताकि हम लोग नया वर्कबेंच बना सके। ये मेटल एक्स, मेटल पिकेक्स नहीं चाहिए है, मीट क्लीवर भी नहीं चाहिए है, ये मेडिएवल मेडिसन वर्कबेंच चाहिए, एक थियर डीर का सेडल भी चाहिए। आई थिंक मैं इसका नाम अगर गलत प्रोनाउंस किया करूँ तो सॉरी, क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है, हाँ मैं पहले ही बता दूँ। ये वाला आर्मर भी बना सकता हूँ, बट अभी भी मेरे पास एक हाई क्वालिटी का कोल्ड रेजिस्टेंट आर्मर है, तो इसका अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब ये उससे बेटर है, अपने पास जो है उससे बेटर है, बट अभी के लिए इसमें हम लोग पॉइंट वेस्ट नहीं करेंगे।
क्रोसबो बना लेते, क्रोसबो काफ़ी काम की चीज़ है, और कूलर बॉक्स भी अभी इतना काम का नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। मेटल स्पीयर काम के है बट इतना भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं, बचा के रखेंगे। आज अभी तीन टेक्नोलॉजी पॉइंट अपने पास बचे हुए हैं। वी ओके, हॉट स्प्रिंग बन जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग इसको अपग्रेड कर पाएंगे। जब तक हॉट स्प्रिंग नहीं बनता ना तब तक तो चाहिए नहीं होने वाली है। हॉट स्प्रिंग बनाने के लिए जो पाल फ्लूड चाहिए वो अभी भी हमारे पास है कि अभी भी नहीं है? नहीं अभी भी नहीं है, अभी है वो तो प्लेटिनियम फ्रेगमेंट नहीं है, वुड नहीं है भाई। वुड और प्लेटिनियम फ्रेगमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलो हो गया हो गया हो गया, अभी हॉट स्प्रिंग बन जाएगा मेरे ख्याल से। इसमें सब चीज़ें भाई एक ना गेदर वाला पोकेमोन छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि ना चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है ना उसको उठा के कहीं पे रखे तो सही, क्योंकि कहीं पे भी चीज़ें पड़ी हुई है तो बहुत अजीब लग रहा है। फिर रुको रुको रुको, एक गेदर वाला पोकेमोन छोड़ते हैं। आई थिंक गेदर वाला पोकेमोन काम करके दे सकता है। वाला नाइट विंग किधर पे, एक्स्ट्रा वाला? एक नाइट विंग छोड़ देते हैं फायर टाइप की जगह पे, क्या पता यहीं वो सब काम करता हो। एक मिनट अभी मेरे को चेक करने दो, एक थियर डीर का तो वो बनाया गया, उसका कोई टेंशन नहीं है। हॉट स्प्रिंग बनाने दो, ये बन गया हमारा हॉट स्प्रिंग। और हॉट स्प्रिंग हम लोग ना घर के पास में बनाएंगे, देखो ये वाली जगह पे हॉट स्प्रिंग बनाएंगे एकदम मस्त। बाद में हम लोग लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आ जाओ मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ। अगर तुमको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। अभी फाउंडेशन प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन में ये मेडिएबल मेडिसन वर्क बेंच ये बना लेते हैं। अरे यार नेल नहीं है क्या? नेल बनाना है ना, नेल बनाते हैं। नेल के लिए चाहिए इनगट, और अपने पास इनगट है नहीं। एक मिनट रुको, इनगट बनाने का मशीन कहाँ पे है? ये रहा, अभी इनगट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें इनगट हम लोग बना सकते हैं 70-86। चलो ये हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट प्रोडक्शन। आई थिंक मेरे पास फायर टाइप पोकेमोन मैंने नहीं छोड़ा है। अगर मैं फायर टाइप पोकेमोन यहाँ पे काम में छोड़ूंगा ना तो वो काम लग जाएगा। देखो ये वाला, ये नाइट विंग की जगह पे देखना, अभी फायर टाइप जाएगा यहाँ पे और काम करेगा। ये देखो देखो देखो, आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, आ जा यहाँ पे, काम है तेरा भाई, फटाफट जला। चलो 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 लेट्स गो, अभी देखना यहाँ पे इनगेट बनेगी एकदम मस्त वाले, बनने लगे। ये वाली चीज़ होती है, सैंड बैग भी बना लेते हैं ताकि हमारे ऊपर जब हमला होगा ना तब यहाँ पे इसके पीछे छिप के हमला कर सके हमारे पोकेमोन। तो आई थिंक ना इसको यहाँ पे बनाना चाहिए। ये लोकेशन बहुत, अरे यार मैं इसको कहाँ बनाऊँ, बहुत घटिया लोकेशन है सभी के सभी, सच बताऊँ तो यहाँ पे ही बनाता हूँ। आ जा अपने पोकेमोन बना देंगे। अभी ना मेरे को अपग्रेड करने दो पाल बॉक्स, अगर पाल बॉक्स अपग्रेड हो गया ना तो हम लोग और भी चीज़ें मतलब और भी पाल यहाँ पे रख सकते हैं। भाई ये तो मैंने सब बना दिया है, वर्क पाल बेस, ये मेडिएबल मेडिसिन वर्क बेंच तो बन रहा है, अभी बना दूंगा हाई क्वालिटी वर्क बेंच भी बना दूंगा, उसका भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें तो हो ही गई है, कोई दिक्कत। अरे तू क्यों आया है भाई, तेरे से बातचीत करके देखता हूँ तेरे पास कोई आइटम है क्या जो मेरे को चाहिए। एक मिनट, मेरे को बाई करनी है चीज़ें और मेरे पास पैसे नहीं है। गोल्ड सिर्फ और सिर्फ 800 ही गोल्ड है, बट मैं क्या कर सकता हूँ इससे? प्लेटिनियम फ्रेगमेंट खरीद लूँ क्या? क्योंकि ये स्किल फ्रूट भी बेचता है क्या तू? स्किल फ्रूट भी मैं खरीद सकता हूँ वैसे तो इससे। मेडिकल सप्लाई भी खरीद सकता हूँ, लाल पाल फ्लूड्स भी खरीद सकता हूँ, राइफल एमओ ये सब तो मेरे को नहीं चाहिए है भाई। तू प्लेटिनियम फ्रेगमेंट दे दे। और ओए 4 प्लेटिनियम फ्रेगमेंट, ये इतने महंगे दे रहा है? चल कोई ना, दे तो सही, देखते तो है क्या है ये। मैंने ऐसे ही परचेस करे, गोल्ड था तो मैंने करा कि मतलब कहा वेस्ट कर दे। देखो वो किसी काम का नहीं है, गोल्ड काम का तो है बट मैंने ऐसे ही, अब मैं क्या बोलूँ, अब जो मेरे को मिला 4 प्लेटिनियम फ्रेगमेंट मैंने 800 गोल्ड के लिए है, क्या बोलूँ मैं। इन्हेंस स्टेट कर देते हैं हम लोग वापस से, हेल्थ इन्हेंस कर देते हैं 1200 कर देते हैं ताकि लड़ाई झगड़े में काम लगेगा। और अभी तक हमारा लेवल 13 ही हुआ है, 15 लेवल हम लोग कब पहुँचेंगे वो है सवाल। 9 इनगट बन गया है, इतने में तो हमारा जो नेल वाला काम है वो हो जाएगा। अगर एक बार नेल बन गया ना तो अपना वो वाला भी काम हो जाएगा। चलो 9 नेल बना देंगे हम लोग फटाफट से। ये लो 18 बन जाएंगे भाई, क्या बात है। अब बना देते हैं मेडिएबल मेडिसिन वर्क बेंच, और ये बनाएंगे हम लोग ये वाली जगह पे। भाई जगह हम लोगों ने गलत चूज करी है बट ठीक है, मतलब इतनी भी बुरी नहीं। ओए मेरे को खाना खाने का जरूरत है। एक मिनट देखो तो सही भाई, भूख लगी है, इसको भी खिला देते, थोड़ा हम भी खा लेते हैं। चलो 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 बन गया बन गया, लगे हाथ फटाफट काम करो। अरे ये तू कहाँ ठोक रहा है भाई, इधर ठोक ले। क्या यार ग्लीच भाई ग्लीच, क्या करे बताओ। ओके लो ग्रेड मेडिकल सप्लाई, इससे लो ग्रेड मेडिकल सप्लाई से होता यह है कि हम लोग जब खाते हैं ना इससे तो दे डोंट हील हेल्थ व्हेन ईटन। लो ग्रेड मेडिकल सप्लाई इज़ गुड फॉर कोल्ड्स एंड स्प्रेन्स। आई थिंक ये इतना काम का नहीं है बट हाँ काम का है भी। तो 5 बना देते हैं,
अपने पास रेड बेरीज वगैरह तो ही बनाए कि हमने अपने जो काम करने वाले लोग हम अपन को इतना मेहनत नहीं करना है भाई, अपने जो पोकेमोन है ना वही काम करेंगे। अभी मेरे को ना फास्ट ट्रैवल करने दो और भी पोकेमोन पकड़ने के लिए जाने दो और नए वाले पोकेमोन पकड़ेंगे भाई, मजाक नहीं हो रहा। आज कुछ भी हो जाए मेरे को नाइट विंग के ऊपर बैठ के एक बार उड़ना है, मतलब एक बार सफर करना है। मजा आता है भाई नाइट विंग के ऊपर उड़ने का ना, एक अलग ही मजा है, तो वो लेना है मेरे को। अपने पास ऑलरेडी काफी सारे एक चेडीर है बट हमें अभी करना है लेवल अपग्रेड, तो हम लोग मालपा और एक चेडीर को और भी पकड़ेंगे क्योंकि वरना लेवल अपग्रेड होगा नहीं फटाफट से, तो इनको पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। लेट्स गो, मारो पीटो भाई पीटो, काट डालो एक दूसरे को। चलो 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 चलो, अरे तू मेरे को ऐसा कैसा मारेगा भाई, मजा। ओए उसने वेस्ट तोड़ दिया, नाम लिया और इसने, अरे 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 गया है तो वेस्ट। अरे मत, अरे 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 क्या हो रहा है ये, अरे अरे मजाक हो रहा है क्या आप तो, छूने का भी नहीं भाई को, नहीं छूने का भाई को, नहीं छूने का, अरे नहीं छूने का भाई अपना, वो कहाँ पे। एक चेडीर ना लड़ाई झगड़े में वैसे भी हमारा कमजोर है, इसको केटीवाई इससे अच्छा तो फाइट करेगा। अरे डिनोसम लाना चाहिए, अरे यार डिनोसम लाना चाहिए था, मजा आ जाता फिर तो। अरे गलत पोकेमोन चूज कर लिया क्या मैंने, डिनोसम लाना चाहिए था भाई डिनोसम, ये के लिए भाई। अरे हमारा केटीवा मरने वाला है क्या, नहीं 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 केटीवा, अरे नहीं केटीवा भाई आ जाओ आ जाओ, आपकी औकात हमको पता लग गया, आप में कुछ बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, हमने आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया भाई, और उसके लिए सॉरी। 29 हो चुका है एक चेडीर, ओके वो आगे 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 मेलपा, मेलपा भी आएगा देखना अभी। ओ यार रिजेक्ट कर दिया इसने, हमारा प्रपोजल रिजेक्ट किया, हमारी टीम में आने के लिए मना किया है भाई, मजाक हो रहा है क्या। अब ये आ गया एक और एक चेडीर, चलो 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 तेरा, हाँ अभी आ जा टीम ज्वाइन कर ले भाई। 44 बाकी किधर है, बाकी दूर है, अच्छा ये भी आ जाएगा अपनी टीम में, अरे आ जाए ना भाई, ये आ गया आ गया आ गया, ये नहीं आया क्या अब तक, अभी इसको देखते हैं। 59 हो गया ये 100%, अभी इसकी बारी, ये भी हो चुका है 100%, और हमारा लेवल हो चुका है 14। अभी मेरे को बसना थोड़ा और, अरे यार वो हाथ में आ जाओ, एक और लेवल और फिर हम लोग नाइट विंग के ऊपर उड़ सकते हैं भाई, लिटरली उड़ के जाएंगे सब जगह पे। हो गया हो गया हो गया 74 और येलो 100 भाई, ये ना छोटे मोटे पोकेमोन भी पकड़ने पड़ेंगे लेवल अपग्रेड करने के लिए, वरना बात नहीं बनेगा, ना चाहते हुए भी छोटे मोटे पोकेमोन पकड़ने पड़ रहे हैं, बताओ भाई। मालपा मार इन लोगों को, मार यार इसको भी देते हैं हम लोग भाई, ये छोटे पोकेमोन क्रीमिश है बट इनको ना तीर बहुत मारने पड़ते हैं, ये मरते, अरे मार दिया हमारे मालपा ने एक ही बार में। चोकोपी का अलग ही सीन है, चोकोपी नहीं पकड़ेगा भाई, चोकोपी तो नहीं चाहिए, ट्री में दे तब भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पोकेमोन इतने कुछ काम के है नहीं, क्रीमिश चाहिए भाई। अरे हेलो आ जाओ, अरे आना मालपा इधर आना, मेरा तो भाई वाट लगा दिया, नाइट विंग लड़ाई करेगा, चलो उड़ के मार नाइट विंग, मार इन लोगों को, दिखा दे अपनी औकात भाई 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 भाई, भागियो मत, अरे यार एक तो भाग गया। ये लो ये आ गया ये आ गया ये आ गया ऑलमोस्ट, ये लो ये भी आ जाएगा अभी, ये भी आ जाएगा, अरे ये मरने वाला है मरने वाला है, मरियो मत भाई मरियो मत, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, हो गया हो गया हो गया भाई, ये तो कुछ ज़्यादा मिल ही नहीं रहा इससे तो पॉइंट, इनको मार के कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी के लिए फाइनली हम लोगों का लेवल 15 हो चुका है, बस एक मेरे पास अभी एक ही और पाल बॉक्स बचा हुआ है, अरे पाल स्पीयर एक ही बचा हुआ है, अगर एक आध और आ जाए ना। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आ गया आ गया, अरे मत मारो भाई मत मारो, ये केटीवा का अलग ही सीन है, ये लोग ना पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। चलो अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस घर पे, मतलब बेस पे, और फिर हम लोग बनाएंगे नाइट विंग का सेडल और उसके ऊपर उड़ के नई जगह एक्सप्लोर करेंगे वो नए वीडियो में। आई थिंक हमें यहाँ पे ही गेम प्ले खत्म करना चाहिए, बट हाँ कम से कम सेडल वगैरह तो बना लेते हैं। बाय द वे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना भूले बिना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। बेस अपग्रेड करके कोई फायदा नहीं है अभी क्योंकि वर्क बेंच वगैरह बनाना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में ही बनाना बेटर है, अभी मे बी नहीं बनाना चाहिए। एक मिनट नाइट विंग का ना, एक मिनट रुको, हमारा 15 लेवल हो चुका है, 15 पॉइंट भी है, मेटल स्पीयर नहीं चाहिए, मेगा स्पीयर एक अनलॉक कर लेते हैं, स्पीयर वर्क बेंच भी खरीद लेते हैं ताकि हम लोग मेगा स्पीयर बना सकें क्योंकि नॉर्मल वर्क बेंच में तो हम लोग नहीं बना पाएगी मेगा स्पीयर। उसके अलावा ये हो गया नाइट विंग का सेडल जो कि सबसे ज़्यादा हमें चाहिए। मॉनिटरिंग स्टैंड भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, मॉनिटरिंग स्टैंड बहुत काम की चीज़ है, ये मिल ये भी बना लेते हैं, इसमें हम लोग वीट की सब चीज़ें कर सकते हैं, देखो ये वीट प्लांटेशन है ना इससे काम हो जाएगा। फायर क्रोसबो वगैरह नहीं चाहिए, अपने पास एक नॉर्मल क्रोसबो है उससे काम हो जाएगा अभी के लिए। ये मिल लगाने ये तो लगा सकते हैं बट उसके लिए चाहिए वुड जो कि बाद में हम लोग लगाएंगे। वुड में इसमें भी यार वुड चाहिए, वुड अपने पास नहीं है। पाल में आई थिंक ये मॉनिटरी स्टैंड, अरे वुड इतने सारे भाई गैदर करके उसमें डालो ना यार, वुड क्या यार, वुड का हमारे पास पूरा फैक्ट्री है कोई काम ही नहीं कर रहा उसमें यार,
मेरे को ना वो डालने दो, अपने डिनोसम डालने दो ताकि वो थोड़े बहुत काम कर ले। अभी बना लेते हैं हम लोग मॉनिटरिंग स्टैंड, यहाँ पर रखेंगे ये मॉनिटर करने वाला स्टैंड। इससे ना बहुत कुछ होता है, पता है, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बना के रख देता हूँ, इसकी मैं लोकेशन बाद में चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये लोग बना के दे देंगे, तब तक मैं देखता हूँ मिल, मैं मिल भी बना देता हूँ। मिल हम लोग ना इसके पास ही बनाते हैं, जो हमने प्लेटिनियम फ्रेगमेंट वाला बनाया था ना उसके पास में ही मिल रख देते हैं। यहाँ पर ये बन गया मिल। अभी इसके पास में ही हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला, किधर गया, वीट प्लांटेशन, ये वाली जगह पे देखो ऐसे ये रहेगा वीट, और वीट के पास में ही वीट मतलब वो करने का पाउडर बनाने का मशीन भी हमने रख दिया है। तो ये दोनों काम हो चुका है। चलो अभी पोकेमोनो काम करके देखिए, हमें इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब ये जो मॉनिटरिंग स्टैंड बना है ना उसमें मैं तुम्हें चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें ना बहुत क्रेजी वाली चीज़ें होती है। जैसे हमारे पास जितने भी पोकेमोन है ना, हम पोकेमोन से कैसा काम करवाना चाहते हैं, मतलब सुपर हार्डवर्क करवाना चाहते हैं, मतलब अलग लेवल की मेहनत करवाना चाहते हैं, रिलैक्स रह के काम करने के लिए हम आदेश देना चाहते हैं कि भाई आराम से करो, या नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करो, हार्डवर्क करना है तो हार्डवर्क करने के लिए, मतलब जैसा हम डिमांड करेंगे वैसा ये लोग काम करेंगे। बट उसके बदले में इन लोगों का सेन बहुत जल्दी खत्म होगा, जो ये सेन आता है ना, मतलब उनके काम करने की क्षमता वो जल्दी खत्म होगी। अब मैं ना पोकेमोन का अलग अलग एक वो भी रहता है कि भाई मैं तो यही काम करता हूँ, लाइक हर एक पोकेमोन की एबिलिटी है। जैसे लेम्बाल काम कर सकता है हाथ, मतलब वो हाथ बढ़ा सकता है, मतलब कोई चीज़ में हेल्प करनी है, कोई चीज़ें बिल्ड करने में, तो लेम्बाल काम करके देता है। फिर सेम वहीं अगर ये डब्बा है, ये डब्बा आई थिंक, एक मिनट रुको, ये डब्बा किस लिए होता है भाई, ये डब्बा होता है फार्मिंग के लिए, तो ये वाला है। डब्बे का काम क्या होता है एक बार चेक करने दो मेरे को। डब्बे का काम होता है ट्रांसपोर्टिंग, मतलब सामान इधर से उधर लेके जाना, वो सब काम भी ये करके दे सकता है लेम्बाल। और उसके अलावा फार्मिंग भी कर सकता है, जो ये सीढ़ी जैसा है ना वो फार्मिंग वाला है। और ये फाइट वाला जो है वो है जब हमारे ऊपर एनिमी हमला करेगी, मतलब दूसरे पाल आके हमला करेगी, मेम्ब्रोस्ट वगैरह, तब ये फाइट करेगा या नहीं करेगा, वरना मतलब ये फाइट से दूर रखना है तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो हम लोग मतलब इन लोगों को काम दे सकते हैं। जैसे ये सभी लोग काम कर रहे हैं, ये हैंड वाला काम में भी दो पोकेमोन करेंगे तब भी हो जाएगा, या तीन को भी दे सकते हैं, बट हाँ ये सही है। अब जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग के लिए तो हमारे पास कितने, दो या तीन फार्म है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो ही पोकेमोन है जो कि फार्म का काम कर रहे हैं, बाकी कोई कर ही नहीं रहा है काम, मतलब दो तो और अपने पास नहीं, तीन हमारे पास टोटल फार्म है, जिसमें एक वीट फार्म है और दो है बेरी फार्म। तो ये दो काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांटिंग देखो, तो प्लांटिंग में भी तीन पोकेमोन है जो कि प्लांटिंग करना जानते हैं, तो उनको हमने काम पे रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये वाला क्रीमिस प्लांटिंग का काम ना करे तो इसके ऊपर हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई हमारे पास तीन फार्म है, दो तो पोकेमोन कर ही लेंगे, तो इतना कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। सेम ये पोकेमोन है पेनगुलेट, देखो ये भाई का तो सीन ही अलग है, बहुत सारे काम कर सकता है, मतलब ये पानी वाटरिंग भी कर सकता है, फिर काम भी, मतलब ये जो ठोकने वाला काम होता है, चीज़ें बिल्ड करने वाला वो भी कर सकता है, फिर अगर कोई चीज़ को फ्रीज करना है तो वो फ्रीज में भी काम कर सकता है। बट हमें कोई फ्रीजिंग वाला अभी काम दिया ही नहीं, अपने पास ही नहीं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टिंग का भी काम कर सकता है, बट भाई ट्रांसपोर्टिंग तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, बट हाँ चलो ट्रांसपोर्टिंग दे दो, ये करना चाहिए इसको, बट ये वाला काम ये नहीं करेगा। और फाइट होगी तब फाइट भी करेगा। डिनोसम का भी है यहाँ पे देखो, ये वुड काटने वाला, मतलब जो पेड़ वगैरह काटना है तो वो सब काम करके देगा, ये ट्रू। मतलब जो भी चीज हम लोग फोल्स करना चाहते हैं ना वो फोल्स भी कर सकते हैं, जो चीज़ को हम लोग नहीं रखना चाहते, मतलब ये काम इसको नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ से मॉनिटर होती है। तो मेन ये काम है इसका। अभी इतना तुमको मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज़ का इतना काम नहीं है, बट जब हम लोग एक हाई लेवल पे आ जाएंगे ना, 40 लेवल के आसपास, तब ये चीज़ इतनी काम की है भाई, बात मत पूछो, बहुत ज़्यादा काम की है। रात हो चुकी है, सोने के लिए जाते हैं, कल सुबह में चीज़ें देखी जाएगी। नाइट विंग का सेडल भी बनाना है, जो कि हम लोग सेडल भी बनाने के लिए रख देंगे। एक बार नाइट विंग का सेडल बना लेके जो भी चीज़ें चाहिए वो अपने पास है कि नहीं है बताइए। देखो यहाँ पे जो हमने हॉट स्प्रिंग रखा है ना, उसमें नहा रहा है डिनोसम। भाई डिनोसम का सिस्टम अलग है भाई, ये नहाना धोना ये सब करता रहता है भाई। ये देखो नाइट विंग का सेडल बनाने के लिए चाहिए इनगट, जो कि 15 चाहिए, अपने पास है नहीं। 15 इनगट है क्या, बना दिए क्या? अरे 41 बना दिए, ये एक नंबर भाई, काम तो कर रहा है भाई, वो काम तो कर रहा है, मजाक नहीं हो रहा। ये बना दिया हमने नाइट विंग का सेडल भी, चलो फटाफट बन जाए बस। तो बन चुका है नाइट विंग का सेडल, बट उससे पहले इनहेंस स्टेट कर लेते हैं, वापस से हेल्थ बढ़ा लेंगे। भाई देखो मेरे को ना हेल्थ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि मेरा हेल्थ ज़्यादा होगा तो मैं कम मरूंगा और वही बेटर है, इसलिए मैं हेल्थ बढ़ाता रहता हूँ। थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं फिर नाइट विंग के ऊपर बैठते हैं। कहाँ है भाई अपना नाइट विंग, इधर है, ये रहा। चलो नाइट विंग का सेडल कहाँ पे है अपने, अरे बनाया तो सही मैं नाइट विंग का सेडल, अरे आना मेरे को बैठने दे, एक नंबर, लेट्स गो, अभी आएगा ना असली मजा। ये देखो अब इसके ऊपर बैठ के हम लोग ना ये सब भी नज़ारा देख सकते हैं, देखो हमारा कितना मस्त दिख रहा है बेस। और साथ ही में ना अगर इसमें कुछ भी चेंज वगैरह भी करना है, अरे यार, हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया कि ये नीचे भी तुरंत आ जाता है, क्योंकि इसका भी एक स्टेमिना होता है, अगर वो स्टेमिना ख़त्म हो गया तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इस वजह से सही से इसको घुमाना पड़ता है। देखो काम चल रहा है बहुत ही तगड़ा वाला।
तो इसको हम लोग और भी अपग्रेड करेंगे, यहाँ से हम लोग इसे उड़ते हुए सब चीज़ें मैप में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे ये सभी एरिया जो है बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए बाकी सभी एक्सप्लोर करेंगे, नए नए पोकेमोन पकड़ेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बार ना बोस फाइट भी कर लेते हैं, और बोस फाइट करने का एक रीज़न है ताकि हम लोग का ना एक एंचाइन टेक्नोलॉजी पॉइंट चाहिए ना, वो हमारा काम हो जाए। मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला एंचाइन टेक्नोलॉजी पॉइंट है ना, वो अगर हमें मिलेगा तो एक इंक्यूबेटर हम लोग खरीद लेंगे जिससे हम लोग ब्रीडिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। और हम लोग ऑलमोस्ट वो वाली जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहिए। और ब्रीडिंग करवा के मैं सोच रहा हूँ अनुबीस को लाने का। अगर मैंने अनुबीस मतलब बना दिया ब्रीडिंग से, तो फिर हमारा जो काम है ना वो काम बहुत फटाफट होगा, मतलब ये एरिया में काम बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगेगा। तो वो वाला चीज़ करना है। बाकी हमने इस एपिसोड में इसे तो नाइटविंग को पकड़ के नाइटविंग का सैडल भी बना लिया है, काफ़ी प्रोग्रेस करी है सच बताऊँ तो। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।